मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। जुबैर साहब, इससे पहले कि मैं जो आज के मौजूदात हैं और सवालात हैं उसकी तरफ आऊँ, असद उमर साहब के हवाले से बड़ी तशवीश हुई बहुत से लोगों को आज उनकी सेहत के हवाले से, उनको जब जिस तरह से अस्पताल ले जाया जा रहा था, आप बता सकते हैं कि उनकी सेहत अब कैसी है? अब तो वो हॉस्पिटल ज़ाहिर है वो कलैप्स हो गए थे लो ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उस कोर्ट में तो उनको अस्पताल लेके जाया गया, वहाँ सारे टेस्ट हो गए, अल्लाह का शुक्र है सब क्लियर है और उनको रिलीज भी कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। जुबैर साहब, आज कानून, लेकिन आपने चूंकि असद उमर का पूछा है तो आज आपने उस, मैं अपना अगर कहना चाहिए की इजाजत दें आप, मतलब एक शरीफ आदमी है बेसिकली, कोई गद्दार नहीं। अब गद्दारी के वो पर्चे कटे हुए हैं, दहशतगर्दी के पर्चे कटे हुए हैं, हर 10 दिन के बाद कोर्ट कचहरी में जाना है, मतलब 1.5 साल हो चुके हैं भाई, बस करते हैं यार। अभी मुल्क को आगे लेके जाने का ये तरीका होता है, मतलब थोड़ा सा तो मतलब ख्याल करना चाहिए भाई। अगर आपके पास कोई है एविडेंस तो आप जो भी आपने सजा देनी है बस सजा देना। ये कौन सा तरीका है मुल्क को आगे लेके जाने का? सन 50 की दहाई में भी यही होता था और अब 2024 में भी यही हो रहा है, और हम मुकाबला करते हैं बैठ के कौन ज्यादा खराब था, कि ये वाली हुकूमत ज्यादा खराब है या पिछली हुकूमत ज्यादा खराब थी। क्योंकि आज वजीर और सारे लोग हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो यही कहते हैं ना, जब मैं जेल में था तो मुझे ऐसे रखा गया था। तो भाई आपने सीखना था ना, आपने क्या, आप जद्दोजहद कर रहे थे ना बकौल आपके सिविलियन बालादस्ती की, तो अगर आपने यही सब कुछ करना था उसमें भी 100 गुना इजाफा करके करना था तो फिर तो मेरे जैसा शख्स तो बिल्कुल बेवकूफ था उस जद्दोजहद में हिस्सा लेने के लिए। जी जुबैर साहब, आप आज आप जिस तरह से असद उमर साहब की बात करें, आज रऊफ हसन साहब की जमानत हुई है तो रऊफ हसन साहब जो है उन पर मुकदमा है कि उन्होंने बारूदी मवाद की फाइनेंसिंग जो है वो उसमें उनका कोई लेन देन में उनका मामला था और उनसे कोई बारूदी मवाद का काम जुड़ा हुआ मामला है, और एक और दहशतगर्द को भी पकड़ा हुआ है जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और उनका मामला ये है कि वो शॉपर में बारूदी मवाद लेकर जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी तो हो रही हैं। मतलब आप ये एक बयान, और आप हर रोज की बुनियाद पर लोगों से मिलते हैं ना, कई लोगों से पहली दफा मिलते हैं, कई लोगों को आप सुनते हैं टीवी पर या पब्लिक फिगर्स होती हैं, तो ज्यादातर तो हमारा असेसमेंट सही होता है ना कि अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी, बेसिकली जियाला नहीं है, बहुत बड़ा गलत लैंग्वेज नहीं यूज करता है, सोन चाहे उसका पॉलिटिकल मौकफ से आप बिल्कुल डिसएग्री भी करें। अब मवाद लेके जाना और इस किस्म के, मतलब भाई मैं कह रहा हूँ ना, सन 50 में भी ऐसे केस बनते थे, बिल्कुल ऐसे केस बनते थे, सन 80 की दहाई में भी ऐसे बनते थे और 2024 में भी। सो हमने आगे का सफर नहीं किया, हम पीछे जा रहे हैं। और आज आप किसी वजीर को जब इंटरव्यू करेंगे, आज के वजीर को, तो वो कहेगा आपको याद है राणा सनाउल्लाह के साथ क्या किया था? भाई तो हम मुकाबला करना था, हमने हम ये जद्दोजहद कर रहे थे कि हम आके उनसे भी ज्यादा बड़े फैसिस्ट बन जाएंगे। तो ये अफसोसनाक बात है, मैं तो जाहिर सी बात है सोच भी नहीं सकता कि रऊफ हसन साहब मवाद लेके और उसमें इस किस्म की चीजों में इन्वॉल्व होंगे। जिस तरह से आपने जुबैर साहब कहा कि 50 साल पहले भी यही हो रहा था और अब भी यही हो रहा है, तो उस दिन जज साहब ने कुछ दिन पहले ये रिमार्क्स भी दिए, उन्होंने कहा कि कभी शॉपर का रंग ही तब्दील कर लिया करें, हमेशा हर FIR में नीला शॉपर होता है मुलजिम के हाथ में और कोई आपने नाम लिखना हो फर्जी तो अबू बकर होता है या हुजैफा होता है, कोई तीसरा नाम ही ढूंढ लिया करें, तो इतनी इनोवेशन भी तो नहीं हो पा रही। इतनी भी नहीं इनोवेशन हो पा रही बिकॉज अहलियत नहीं ना, इनकॉम्पिटेंस है, केस बनाना है जल्दी जल्दी बनाना है, गलत बनाना है, झूठ की बुनियाद पर बनाना है, 2 नंबर हरकतें करनी, और वो समझते हैं कि जी जब तक हम ये करेंगे नहीं तो हम हुकूमत में नहीं रहेंगे। जैसे हमने कोई अच्छे काम करने शुरू कर दिए, ओपोनेंट्स को, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, मीडिया को, जुडिशरी को अच्छे तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया तो फिर शायद हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। सो अगर ये थिंकिंग है और ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि कुछ हो जाए हमने हुकूमत में रहना है, चाहे हमारे पास मैंडेट हो या ना हो, चाहे हमें लोगों को झूठे केसेस बना के अंदर बंद करना पड़े, चाहे उसमें ख्वातीन हो शामिल जिस तरह यास्मीन राशिद है, 75-76 साल की हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, और मतलब या तो ये ना कि कोई फैसले हो जाए
कि जी आप ये फैसला आपने आ गया और पता चला कि जी वो पता नहीं किस चीज में इन्वॉल्व थे। सो एट द एंड ऑफ द डे जब हम पूरी हिस्ट्री में मुड़ के देखते हैं और पिछले दो साल में मुड़ के देखते हैं तो व्हाट हैज बीन अचीव्ड, नथिंग हैज बीन अचीव्ड। क्या पाकिस्तान आगे गया इन चीजों से या पीछे गया? पीछे गया, बहुत ज्यादा पीछे गया। पाकिस्तान की कोई किसी दुनिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता? इसी वजह से नहीं आता कि आपकी हरकतें ऐसी होती है और हमें समझ ही नहीं आती है। सही है जुबैर साहब, आज ये कानून साजी हुई है, सुबह कौमी असेंबली से पास हुआ, फिर सेनेट से भी ये मंजूर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बजायर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने के लिए कानून साजी की गई है। अब तहरीक इंसाफ कह रही है हम इसे दोबारा लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये इससे महाजराई का तासुर उभर रहा है, आपके ख्याल में ये तासुर दुरुस्त है कि तनाव बढ़ रहा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान? मेरा ख्याल है तनाव बढ़ नहीं गया, वो बिल्कुल वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया, वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया, जहां उस तनाव के वजह से अभी तो देखें सुप्रीम कोर्ट इस वक्त छुट्टी है तो वो जो 8 जजेस जिन्होंने फैसला सुनाया था वो जब वापस आएंगे और उनको ये जाहिर है फॉलो तो कर रहे होंगे कि पार्लियामेंट ने ये पास किया। एक मुझे देखें पीपल्स पार्टी और PMLN बड़ी जोशीली तकरीरें भी करते हैं, मैं किसी को एग्जाम्पल दे रहा था असदुल्ला अगर आप इजाजत दें जी जी। कि ये ऐसे ही है कि एक स्टूडेंट है बीए या एमए का, वो एडमिट कार्ड हमारे जमाने में होता था, पता नहीं आजकल क्या होता है, एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड मिलता था जिसमें रोल नंबर वगैरह होता था। अभी पहले आपने स्टूडेंट को एडमिट कार्ड नहीं दिया और फैसला करके नहीं दिया कि एडमिट कार्ड नहीं देना, और फिर वो जब स्टूडेंट को फिर किसी तरह से कहा अच्छा चले आप आ जाना एग्जामिनेशन देने के लिए, और वो जब पहुंचा 9 बजे तो उसको अंदर नहीं घुसने दिए एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर बड़ी बहस लड़ाई झगड़े के बाद उसको 10 बजे अंदर आने दिया, और वो 3 घंटे का जो पर्चा था उसमें 1 घंटा गुजर गया और वो फिर भी फर्स्ट आ गया, उसके मार्क्स भी नंबर 1 आ गए, लेकिन आपने कहा नहीं ये 9 बजे दाखिल होना था ये 10 बजे क्यों आया? अभी पहले आप उन्हें उनको रोका, आपने जानबूझ के रोका, पहले एक फैसला January 13 का गलत फैसला आया, बिल्कुल फ्रॉड के बेसिस पर फैसला आया, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आपने वो छीन लिया, फिर आपने February 8 और 9 को जो हरकतें की हैं वो सबको पता है, पूरी दुनिया को और आपको ही पता है, और उसके बाद आप रिजर्व सीट्स पर कह रहे हैं कि जी वो तो उनको 3 दिन में फैसला करना था, 3 दिन में नॉर्मल हालात में करना था, 3 दिन में इस तरह से नहीं करना था कि किसी को पता ही नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिसमें काजी फाइज भी शामिल हैं उन 11 जजेस में जिन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की थी January 13 के फैसले की, जब उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की थी तो सजा भी वो PTI वालों को ही मिले कि जी आपने 3 दिन में फैसला करना था कि किस पार्टी में आपने जाना है। नहीं अगर वैसा अगर तो ये तस्लीम कर लिया जाए खुद के वो तरीके इंसाफ के लोग थे, फिर तो उन्होंने 3 दिन में फैसला भी नहीं करना था, मतलब फैसला करने की तो फिर नौबत ही नहीं थी, फिर तो वो थे ही तरीके इंसाफ के, फिर तो शायद वो 3 दिन वाला वो एक मरहला आता ही ना। देखना प्रीएम्बल जो पाकिस्तान के आईन के उसमें क्या लिखा है कि अल्लाह की हुक्मरानी होगी और उसके थ्रू फिर जो अवामी नुमाइंदे हैं जिनको पाकिस्तान के अवाम चूज करेंगे मुंतखब करेंगे उसके थ्रू ये मुल्क चलाया जाएगा। अब जो जितने हजारों लाखों करोड़ों लोग थे जो निकले उस दिन और उन्होंने उस 90 लोगों को या 85 लोगों को वोट डाला तो 150 को था, बट चले जो डिक्लेयर हुए उनको क्या सोच के डाला था उन्होंने, वो सलमान अकरम राजा को क्या सोच के डाला था, गौहर साहब को क्या सोच के डाला था, उमर अय्यूब को क्या सोच के, ये PTI के हैं, ये इमरान खान के नुमाइंदे, इसलिए करोड़ों अवाम ने उनको वोट डाला था। और जो सलमान राजा या उमर अय्यूब या जो भी दूसरे नुमाइंदे थे अली मोहम्मद वगैरह उनको भी ये पता था कि हम इसलिए वोट मांग रहे हैं इमरान खान के नाम पर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सिर्फ शक ही नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं कि जी वो फैसला आपने नहीं किया, भाई सारी मुश्किलात आपने पैदा की है। जैसे मैंने एग्जामिनेशन की एग्जाम्पल दी है कि एग्जाम में आप कहेंगे जी 9 बजे दाखिल होना था, भाई 9 बजे तो आपने नहीं दाखिल होने दिया था एग्जामिनेशन हॉल में, उसकी सजा उनको क्यों दें स्टूडेंट्स को जो कि जिनको फिजिकली रोका गया कि आप नहीं जा सकते, और जब घंटे के बाद आपने अलाउ भी कर दिया फिर भी वो पर्चे में 1 आए और आपने कहा नहीं इनका मानेंगे नहीं क्योंकि ये 9 बजे नहीं आए थे। सही है, तो सर अब इस सारी सूरत हाल में जिसमें आप कह रहे हैं कि तनाव बल्कि ये तो सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है,
अब ख्वाजा आसिफ साहब भी इसको भांप रहे हैं और वो कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन पाकिस्तान के हालात पहले ही अनसर्टेनिटी से दो चार हैं। आप तो इकोनॉमिस्ट भी हैं और आप समझते हैं कि कारोबारी तबका पूरा देख रहा है बैठ के कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोक के बैठा हुआ है, पाकिस्तान में लोग जो इंटरनल इन्वेस्टमेंट है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की तरफ जब इशारा हो रहा है तो ये किस किस्म का मंजरनामा होता है इसमें? बहुत ही मतलब देखे ना, ये तो बिल्कुल वो होता है कि लास्ट स्टेज जब आ जाता है, एक सिविलियन हुकूमत है उसके सबसे सीनियर वजीर सबसे सीनियर सियासतदान जब खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं मेल्टडाउन का मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो गया। अब ये है कि हबड़ दबड़ और जिसका जो जोर चलेगा उसके हिसाब से अपना काम इस मुल्क में चलाएगा। अगर जब तक हमारी हुकूमत है हम जबरदस्ती बैठ सकते हैं चाहे कोर्ट जो भी फैसला देता रहे। अगर 8 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के कहेंगे जज तो हम उनका फैसला नहीं मानेंगे, तो ये दिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वक्त को कॉन्स्टिट्यूशन की अमल दरामद तो बिल्कुल खत्म हो गई है। और ये जो आज जो बिल पास हुआ है इसने तो एक और नई चीज पैदा कर दी, एक और नया एक चीज पाकिस्तान के आइन में आ गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे उन बुनियाद पर जो पाकिस्तान के आइन में कहा गया है, अगर फैसला आपके खिलाफ आए तो आप बाद में जाके कोर्ट पार्लियामेंट में चेंज करते हैं। पार्लियामेंट में आप पहले अगर ये लिखा होता कि रेड लाइट में आप नहीं जा सकते और कोई चला गया था तो उसको सजा से रोकने के लिए आप बाद में चेंज कर दें कि रेड लाइट पर जा सकते हैं, रेट्रोएक्टिवली उसकी इंप्लीमेंटेशन कर दें। ये तो इस तरह से तो कोई कानून का इतलाक हो ही नहीं सकता। आपने जब आपकी मर्जी होगी आप चेंज कर देंगे, जब आपकी मर्जी थी पिछले साल आपने पंजाब में इलेक्शन नहीं कराने थे 90 दिन में और आपने केपी में नहीं कराने थे तो आपने नेशन असेंबली से रेजोल्यूशन पास कर दी थी कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, हमने तो बजट में रखा ही नहीं था, और फिर सिक्योरिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हम सपोर्ट कर सकते। सो ये तो बिल्कुल ही पाकिस्तान का ये मेल्टडाउन तो आज उन्होंने एक्नॉलेज किया है ख्वाजा आसिफ ने। ये तो 2 साल से आपने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के एक डस्टबिन में फेंका हुआ है, उसको जैसे मर्जी आप इस्तेमाल। जब 224 की खिलाफ वर्जी हो रही थी इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट कह रही थी और 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन तो शायद वो भी था। लेकिन जुबैर साहब ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि माजी से तलाक कर दें, ये तो ऐसे ही है कि एक फुटबॉल के मैच में कोई शख्स गोल करे और गोल होने के बाद आप गोल पोस्ट उठा के कहीं और रख दें और कहें कि नहीं अब से नहीं बल्कि 2 घंटे पहले से गोल पोस्ट जो है वो चेंज हो चुकी है, तो ये तो इसी तरह की सूरत हाल हो जाएगी। जी चेंज हो चुकी है बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो 2 गोल एक टीम ने किए थे वो तो माने ही नहीं जाएंगे क्योंकि गोल पोस्ट तो हमने चेंज कर दिया अब, और जो 1 गोल हमने किया था वो माना जाएगा क्योंकि हमारे लिए गोल पोस्ट वही है। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही मजक्का खेज है। और दूसरी बात ये देखें, थोड़ा सा हमें आपस आसपास अपने कंट्रीज को देखना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो गनी साहब थे अब्दुल गनी साहब वो किस किन हालात में लास्ट मोमेंट पर भागे थे जहाज में बैठ के। श्रीलंका में 2 साल पहले क्राइसिस आया था तो आपने देखा था कि वो कैसे जहाज में बैठ के भाग गए थे। और इसी तरह से अब हसीना वाजिद को 45 मिनट मिले थे, तो ये हमारे खित्ते में हो रहे हैं। और मैं आपको ये भी कह दूं जो मेरी नजर में असेसमेंट है कि बांग्लादेश का क्राइसिस इतना डीप नहीं था जितना यहाँ का डीप क्राइसिस है। वहां कम से कम मीशत अच्छी चल रही थी, सब कहते थे हम मैं आप सब कहते थे ना कि बांग्लादेश कहाँ कितना आगे चला गया, तो मीशत के हवाले से तो वो ज्यादा अच्छे थे। लेकिन उन्होंने प्रूव ये किया कि जब तक फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, आजादी ये हक नहीं होता आपको अपना नजरिया पेश करने का, अगर आपको जुडिशरी के फैसले अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, और सबसे बढ़ के अगर आप चोरी करके इलेक्शन अगर आप बैठ गई हैं और आपने 2/3 मेजोरिटी भी अवामी लीग की ले ली है, तो फिर भी चाहे वो कुछ लोग कहते हैं जी वो तो 15 साल के बाद उनके साथ हुआ था, बात ये है कि चाहे 6 महीने के बाद हो, 1 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो या 15 साल के बाद, फिर इसी डिसग्रेस से जाना पड़ता है और सारा जो खुमियाजा होता है जो भुगतना पड़ता है वो अवाम को भुगतना पड़ता है। आज जो लॉलेसनेस की हालत है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इस वक्त बांग्लादेश में नहीं है वो इसी वजह से नहीं है। आप समझ रही हैं कि 15 साल हो गए तो आप 15 साल और 5 साल ऐसे गुजार देंगे, तो हमारे रूलर्स को भी कुछ सोचना चाहिए समझना चाहिए कि ये इनएविटेबल है, ये होगा, डिस्ग्रेस के साथ बाहर जाना पड़ेगा। हुकूमत से बाहर मैं ये नहीं कह रहा, वो तो जिसकी जो मर्जी है पाकिस्तान से जाए या ना जाए, बट
एक नॉर्मल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू चेंज होना फार बेटर है देन द वे इट हैज हैपेंड. जी वो आज से महीना पहले बांग्लादेश में भी ऐसी सूरत हाल थी और जाहिर है हम अपने यहाँ तो कमेंट करते हुए थोड़ा सा झिझकते हैं लेकिन बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस को मेरा ख्याल है आर्मी चीफ को जनवरी के जब इलेक्शंस हुए थे और उसमें खुल्लम खुल्ला धांधली हुई थी और सारे ऑपोजिशन को बंद कर दिया गया था तो मेरा ख्याल है अगर उस वक्त वो कान में जाके प्राइम मिनिस्टर के कहते कि जी ये इस तरह से ना इलेक्शन करवाएं तो वो ज्यादा अच्छा होता और बांग्लादेश के लिए हसीना वाजिद के लिए और बांग्लादेश की फौज सबके लिए वो ज्यादा बेहतर चीज होती. जब वो अटैक बिल्कुल वहां लाखों लोग पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीब पहुंच गए और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वक्त आपने जाके कहा 45 मिनट में आप चले जाएं तो वो ठीक है वो उस वक्त उन्होंने साइड चेंज किया बिकॉज जाहिर सी बात है उस लॉलेसनेस को कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था. 90 बंदा उसे एक दिन पहले मार दिया था हसीना वाजिद के ऑर्डर्स पर ही मारा होगा उनकी हुकूमत थी. बिल्कुल ये वाजे फर्क है लेकिन वही मैं कहता हूँ ना ये तो जो इनएविटेबल है उससे पहले ये अगर इस तरह से वो रोल प्ले करते बांग्लादेश में तो आज इतना बड़ा क्राइसिस भी ना होता. तो भाई साहब ये मियां नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं सारी सूरत हाल में? ऐसा बाज़ दफ़ा महसूस होता है कि वो कहीं नाराज बैठे हैं. कुछ मुलाकातें तो वो करते हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब को अपनी साहबजादी को उन्होंने बुलाया है, मुलाकात हुई है कि एक बड़ी एक क्या कहना चाहिए एक पूरा असरार से मुलाकात है जिसकी कोई बाहर चीज़ नहीं निकली. चैमगोइयाँ ज़रूर हुई हैं लेकिन उन चैमगोइयों के नतीजे में शायद महसूस होता है कि सब अच्छा नहीं है. तो क्या वजह हो सकती है नवाज शरीफ साहब की खामोशी की? देखिए सब अच्छा तो नहीं है और मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर है 40-42 साल से सियासत में, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पॉलिटिकल इनसाइट जानते हैं तो उनको भी पता होगा कि सब अच्छा नहीं है बल्कि उनको ये भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है सूरत हाल, बहुत ज़्यादा ख़राब है. जो वज़ीर बोलते हैं लोग वो सुनते होंगे देखते होंगे, जो मईशत की हालत है, जो महंगाई है, जो बिजली के हवाले से जो क्राइसिस है, क्राइसिस ऑफ नॉन डिलीवरी है, हुकूमत बिल्कुल हाथ पांव उसके काम बिल्कुल ऐसे है कि जी हम अब कुछ नहीं कर सकते, हाथ उठा दिए. ऐसे इकबाल साहब कहते हैं कि जी अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन है तो हमें आके बताए. मतलब मसाइल की एक भरमार है. बलूचिस्तान में अगर आप क्राइसिस देखें वो दूसरी नौयत का क्राइसिस है, सीरियस क्राइसिस है. जो ग्वादर में जिस तरह से सब कुछ हुआ और वो बहुत अरसे से मिसिंग पर्सन्स के हवाले से क्राइसिस चल रहा है, केपी में जो बन्नू में हुआ, दूसरी जगह पर हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी सिचुएशन, तो जाहिर सी बात है तो सब तो अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है. अब ये भी उनको पता होगा कि ये इस हकूमत के पास इसके सोल्यूशन भी नहीं है. सो कितने अरसे तक ये लटके रहेंगे और जमे रहेंगे इस हकूमत को आगे बढ़ाने के लिए? जाहिर सी बात है अगर सोल्यूशन नहीं है और मुश्किलात में इजाफा हो रहा है. एक मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ क्योंकि मोहम्मद औरंगजेब साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दी और बड़ी मीनिंगफुल स्टेटमेंट थी कि आज से 2 साल पहले आपको पता है सैलाब आया था और एक हुकूमत पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर एक बाहर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि ताकि इमदाद मांगी जाए डोनर से, दूसरे दोस्त ममालिक और दूसरे इदारों से. उसमें $9 बिलियन के प्लेजेस हुए थे. उस पर आज औरंगजेब साहब ने कहा कि उसका कोई पैसा इसलिए नहीं आया कि जो हमने अपना काम करना था कि हमने जाके प्रोजेक्ट्स बताने थे, प्रोजेक्ट क्या एक लाइन में नहीं बताने थे, आप जो हमारा काम था कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी है, ये उसके डिटेल्स प्रोफेशनल वर्क है और इसके लिए इतना पैसा हमें इस वक्त में चाहिए, वो हमने किया ही नहीं. ये बकौल औरंगजेब साहब के. तो हमने जब वो नहीं किया, अब देखे ना $9 बिलियन जो आने थे उसका फायदा किसको होना था? आपको याद होगा कि जब ये पूरी टीम गई थी, मरियम औरंगजेब साहबा थी, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, बाकी सारे लोग गए थे, आके इसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया था और कहा गया था $9 अरब और तासुर ये दिया गया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद इससे संभल जाएगी. हालांकि उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि भाई इसमें पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा और फिर उसके नतीजे में वो सब होगा. तो इसको तो प्रॉपरली सेलिब्रेट किया गया. मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ उस वक्त सेलिब्रेट, लेकिन देखे ना करोड़ों लोग जिन्होंने सफर किया और खासतौर पर वो जिनको घर जिनके चले गए, जो रोड पर आ गए थे, जिनके लिए खाना पीना नहीं था, जिनके लिए कुछ और सहारा नहीं था, तो फायदा तो उनको होता ना, करोड़ों लोगों को, कि $9 बिलियन आते, रिकंस्ट्रक्शन होती, रिहेबिलिटेशन होती, ये सारी चीजें होती, लेकिन वो नहीं आए. तो ये इतनी कैजुअल अप्रोच है. अब वो उन्होंने तो कह दिया, जाहिर है वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो उस वक्त थे नहीं, लेकिन आज उन्होंने सबके सामने एडमिट भी कर लिया कि ये एक बात है. आज से कुछ 2 महीने पहले
मुसद्दिक मलिक साहब जो कि एक सीनियर मिनिस्टर है, पढ़े लिखे मिनिस्टर है, उन्होंने शहजाद इकबाल को इंटरव्यू में कहा कि वो जब उनसे पूछा गया कि ये जो बाहर से आप लोग कह रहे थे कि इतने पैसे आ जाएंगे 25 बिलियन 50 बिलियन 100 बिलियन तो वो क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास इतनी अहलियत नहीं है कि वो पेपर वर्क कर सके। हमने उनके बकौल हमने रियलाइज किया कि सरकार के पास, अभी पहले आप चाय की दुकान भी कोई खोलता है ना तो वो पहले सोचता है कि क्या क्या चाहिए, चीजें चाहिए होंगी, प्यालियां चाहिए, बर्तन चाहिए, लोग चाहिए, चाय बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, कुर्सी टेबल चाहिए, फिर जाके वो साल के बाद बंद इसलिए नहीं करता कि जी वो तो हमारे पास हमने तो कुछ किया ही नहीं था। और आप बड़े आराम से कह रहे हैं कि सरकार के पास एहलियत नहीं है पेपर वर्क करने की, तो फिर आपको साइट पर होके और पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहिए हमारे पास एहलियत नहीं है और हम नहीं डिलीवर कर सकते। और जाहिर है तो फिर मियां नवाज शरीफ परेशान तो होंगे और होना भी चाहिए उनको। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से आज मंजूर कर लिया गया है। ऑपोजिशन के हंगामे और शोर शराबे में ये बिल मंजूर किया गया है। इसके दो अहम फीचर्स हैं। एक फीचर तो ये है, इसमें कहा गया है कि मुकर्रा निशान अलॉट करने से कबल अगर किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात से जमात का सर्टिफिकेट जमा कराते हुए किसी मखसूस सियासी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी से मुतालिक रिटर्निंग अफसर के सामने बयान हल्फी जमा ना कराया हो जो इस बात की तस्दीक करता है कि वो इस जमात का उम्मीदवार है, को बतौर आज़ाद उम्मीदवार ही मुतसव्वर किया जाएगा, ना कि किसी सियासी जमात का उम्मीदवार तसव्वुर किया जाएगा। यानी वो 41 लोग जो मुंतखब होकर पार्लियामेंट में तो आ गए लेकिन उनकी हैसियत आज़ाद है, अब वो किसी और पार्टी में जाने का, और वो एक पार्टी में चले गए वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। फिर इसमें एक और अहम चीज़ ये कही गई है कि अगर कोई सियासी जमात मस्कूरा बयान करदा मुजवजा मुद्दत के अंदर मखसूस नशस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराने में नाकाम रहती है, वो इस मरहले के गुजर जाने के बाद मखसूस नशस्तों के कोटे के लिए अहल नहीं होगी। यानी जो डेट थी उसमें अगर आपने मखसूस नशस्तों के लिए फॉर्म जमा नहीं कराया, लिस्ट जमा नहीं कराई, तो बाद में आपको यह मौका नहीं दिया जा सकता। अगरचे पहले भी कानून में ये चीज़ें इसी तरह से मौजूद हैं लेकिन मजीद क्लैरिटी के लिए बिल लाया गया है। अब इस पर बहस पार्लियामेंट में आज यह होती रही है कि यह बिल कानूनी है या आइनो कानून के मुताबिक है या नहीं है। तो इसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो इस ज़ाहिर है वज़ीर कानून है और इस पर हुकूमत की तरफ से एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी पार्लियामान का हक है कि वो कानून साजी करे। सुनिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या कहा है। कानून साजी मैं बारहा कह चुका हूँ, इस मुअक्कर और मौजज़ ऐवान का प्रेरोगेटिव है, इख्तियार है, और ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होके मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया, इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। उमैन नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज अहसान हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद। तो उमैन साहब ये बताइए कि ये जो वजाहत कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एक तो वो कहते हैं कि ये कानून साजी पार्लियामान का हक है, दूसरा वो कह रहे हैं कि भैया आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह चुके हैं कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए हैं, तो उस पर मौजूद रहें, कायम रहें उस पर। अच्छा, पार्लियामान का बेशक बुनियादी हक है जो भी लेजिस्लेशन करना, और कोई इदारा नहीं है जो लेजिस्लेट कर सके, ठीक है, ये बिल्कुल। मगर जिस तरह से लेजिस्लेशन हुए, लेजिस्लेशन को आप कॉन्स्टिट्यूशन के टचस्टोन पे हमेशा टेस्ट करते हैं कि आया ये लेजिस्लेशन एक वैलिड लेजिस्लेशन है कि नहीं है, क्या ये टेंटेड है, क्या ये कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसने देखनी है, कोर्ट्स ने देखनी है। अभी इस वक्त इस लेजिस्लेशन लाने का मकसद क्या है, और एक ऐसी लेजिस्लेशन ला रहे हैं जिसके ज़रिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप 12 जुलाई वाली जजमेंट का इफेक्ट अनडू करना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक इलेक्शन का अमल जो 8 फरवरी को हो गया है उस पर रेट्रोस्पेक्टिवली कानून को अप्लाई करना चाहते हैं, जबकि लेजिस्लेशन का इफेक्ट कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। ये दोनों इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि देखें एक इलेक्शन के अमल में जा चुके थे, इलेक्शन के अमल पे जो कवायदो जवाबित थे वो ही गवर्न करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, तो ये हो सकता है अगर कर सके। दूसरा जो बुनियादी लकूना है, देखें ये एक्ट में अमेंडमेंट की जा रही है, ये अगर आईनी तरमीम होती ना, अगर ये आर्टिकल 51 में
तरमीम ला रहे होते फिर तो हम कह देते हाँ जी ये ठीक है कि जी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अलावा भी कोई सिस्टम हो सकता है। इनडायरेक्टली ये वो चीज़ करना चाह रहे हैं जो कि आईन इन्हें इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 51 को किधर लेके जाएंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम इस मुल्क में राइज है, आइन आपका कहता है, और आइन कहता है कि हर पार्टी को अपने हिस्से के मुताबिक रिजर्व सीट्स मिलेंगी। रिजर्व सीट्स कोई ये देखे ना, कोई बाउंटी तो नहीं है, कोई लूट का माल तो नहीं है, माल गनीमत तो नहीं है जो आप अपनी मर्जी से तकसीम कर दें। उसके वजह किए हुए हैं प्रिंसिपल्स, वो उन्हीं के लिहाज से तकसीम होना है। तो ये खाली पंडोरा बॉक्स इस वक्त इसलिए खोला जा रहा है ताकि इन्हें कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, इलेक्शन कमीशन को एक कवर मिल जाए, उस कवर के तहत वो किसी तरह से कोई जवाब जमा कराए सुप्रीम कोर्ट में कि जी इस बुनियाद पे हम आपका फैसला इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये दोबारा से क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और किसी तरह से इसको तवालत दी जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। चाहिए आप ये कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक कानून के तहत, साहब अगर एक कानून मौजूद है आप जाहिर है उसी के तहत इलेक्शन में जाएंगे ना। आप एक कानून के तहत इलेक्शन करा दें फिर आप नया कानून रख के उसका माजी से तलाक कर दें तो वो तो इलेक्शन तो हो चुका है पुराने कानून के मुताबिक, ये कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं इसके अंदर दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट की ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है। पार्लियामेंट कर सकती है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकती है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकती है, और अल्टीमेट डिसाइड करना होता है अगर उसको लॉ को वायरीज के तौर पे चैलेंज कर दिया जाए जो आपका आर्टिकल 8 से लेके 28 तक है, तो ये काम हमारी कोर्ट्स का है, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो देखती है कि क्या ये टचस्टोन ऑन द फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं है। और अगर वो समझती हैं कि ये लेजिस्लेशन ठीक है तो वो कहते हैं इंट्रा वायरीज है, और अगर वो नहीं होती तो अल्ट्रा वायरीज है। एक तो इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा उसका एस्पेक्ट्स ये है कि इलेक्शन लॉज जो हैं वो बड़े क्लियर हैं इस मामले के अंदर, और मैं इसमें ये कि तीन चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया इन अमेंडमेंट्स के अंदर जी। एक उन्होंने सेक्शन 66 के अंदर अमेंडमेंट की है, और हमेशा से इस तरह से होता ये है कि जब भी कोई पार्टी अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करती है या उनके कवरिंग कैंडिडेट्स भी जब आते हैं तो टिल द टाइम ऑफ एलोकेशन ऑफ सिंबल जो है वो सारे के सारे उस पॉलिटिकल पार्टी को क्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन फाइनल जो उसके अंदर रिजल्ट्स निकलता है कि किसने लड़ना है वो आपका एक पार्टी हेड जो है ना, पार्टी हेड जो है वो एक सर्टिफिकेट देता है टिकट का, या उसका जनरल सेक्रेटरी उसे ऑथोराइज कर देता है, और वो आप जाके रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है जिसकी फेवर के अंदर आता है उसको वो टिकट अलॉट कर देता है, यानी कि इलेक्शन सिंबल अलॉट कर देता है, और उसके बाद वो प्रज्यूम ये किया जाता है कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है। अब ये दूसरा उसके अंदर जिसकी तरफ आपका है जी, वो ये है कि अगर आपने जो एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स का प्रोसेस है उसका भी प्रोसेस जो है वो आपके रेगुलर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के शेड्यूल्स है उसके मुताबिक शुरू होता है, जो सेक्शन 57 के अंदर इलेक्शन एक्ट के अंदर है। एक तरफ आप डायरेक्ट इलेक्शन का शेड्यूल इशू करते हैं, दूसरी तरफ आप रिजर्व का इशू करते हैं, और रिजर्व के अंदर आपका सेक्शन 104 अप्लाई करता है कि आपने उस प्रोसेस के अंदर जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स को आपने देना है, और देने के बाद जो है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और फिर अगले इस केस में तो तहरीक इंसाफ ने लिस्ट जमा कराई हुई है लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं कराई हुई, तो अब जो 39 लोग तहरीक इंसाफ के मान लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कम अज कम 39 के अगेंस्ट तो मखसूस नशस्त मिल जानी चाहिए तहरीक इंसाफ। नहीं नहीं, वो अब तीसरी में वो आ जाती है डिक्लेरेशन की। आर्टिकल 51 के अंदर यह है कि अगर कोई शख्स जो है एक दफा डिक्लेरेशन दे देता है एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर तो वो उस डिक्लेरेशन को रिवर्स नहीं कर सकता, यह आर्टिकल 51। अब आपने इशारा, अब हुआ यह है कि इस वक्त दो तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक वो कैंडिडेट्स हैं कि जिन्हें बजाते खुद उन्होंने डिक्लेयर किया अपने आप को कि हमारा पीटीआई से ताल्लुक है, और उसके बाद वो जीते, लेकिन उनके पास जो था पार्टी ऑथराइजेशन कोई नहीं थी। दूसरे वो कैटेगरी है कि जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने एज ए कोई पार्टी डिक्लेयर नहीं की और वो चले गए, जीत गए, और जब मामला आर्टिकल 51 के नीचे आया फॉर प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली है, तो उन्होंने वहां पे जाके सारों ने यकमुश जो था वो SIC को ज्वाइन कर लिया जो PTI बैक कैंडिडेट थे। जब उन्होंने उसके अंदर कैंडिडेट्स कर दिया तो फ्रॉम डे वन वो कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, और वो होती यह है कि SIC जो है वो एज ए PTI के प्रॉक्सी के तौर के ऊपर जब वो ज्वाइन कर लेती है तो उस वक्त फिर वो इलेक्शन कमीशन के अंदर 22 फरवरी को चले जाते हैं कि हमें सीट्स दी जाएं, और फिर मामला चलते चलते जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। अब उसके अंदर ये है असद कि अगर 39 को आप मान लें कि PTI के ही कैंडिडेट्स बैठते हैं, लेकिन क्या वो 39 जो हैं वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी की जो डेफिनेशन है आर्टिकल 51 के अंदर, क्या ऐसी पार्लियामेंट्री पार्टी है
कि क्या उस पार्लियामेंट्री पार्टी की बुनियाद पर आप ले सकते हैं, तो उसका जवाब ये है, एक सेकंड, उसका जवाब ये है कि अगर आपने इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा और आपने रूल 94 को कंप्लाई नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, नहीं इलेक्शन 39 लोगों को नोटिफाई करके, देखिए असद जो उन्होंने किया है, उन्होंने ये काम किया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कंप्लायंस पार्ट की वो उन्होंने पूरी की है, लेकिन क्या वो 39 जो है वो 51 के नीचे एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स के लिए एंटाइटल्ड है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब है नहीं है, वो इसलिए नहीं है। तो इस तरह से तो वो 39 जो है वो पीटीआई के डिक्लेयर भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि वंस वो सुन्नी दात काउंसिल में चले गए हैं आजाद मुंतखब होके, तो उनको इलेक्शन कमीशन दोबारा नोटिफाई क्यों कर रहा है? उसको सिर्फ उन्होंने उसका जो एज दिया है वो दिया है कि जब उनके पेपर्स गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त गलत किया था, बिल्कुल गलत किया है ना, कि देखें आप डबल्स तो नहीं ले सकते, या आप ये कहें कि 51 के अंदर आप इलेक्शन कमीशन की आधी गलती तस्लीम करते हैं आधी नहीं मानते, नहीं वो आधी इसलिए गलती तस्लीम में कर रहा हूं ना कि जो देखे ना कि यही वो गलती थी कि जिस तरफ इन्होंने भी इशारा किया है कि ना पीटीआई एंटाइटल थी ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एंटाइटल थी ना एसआईसी एंटाइटल है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को सीटें ना देता और ये पॉलिटिकल पार्टीज ना जाते तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कंट्रोवर्सी आई नहीं थी, फिर ये है कि एंटाइटल है या नहीं है, देखिए किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर 51 के अंदर आप उस क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं आते तो देखिए असल सीट 266 है, ये ओवर एंड अबव है। खुशामदीद कहते हैं उमैर नए साहब, एक तो जब सलमान राजा साहब सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से एतराज़ लग गया, तो ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, काजी फैसल साहब ने भी दिया है कि आपको उन एतराज़ात के साथ सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, आप तो हमारे तक आए ही नहीं है, आपने उसको अपील में आपको जाना चाहिए था। उस पर सलमान राजा साहब कहते हैं कि जिस दिन थोड़े रह गए थे 2 तारीख को ये आया, 8 तारीख को इलेक्शन था तो हम क्या करते। दूसरी बात यह है कि चलिए आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही सही है, जिस अंदाज में भी आप 90 लोग जीत गए तो तहरीके इंसाफ में जाने का फैसला क्यों नहीं किया, जो अभी आप साहब भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा जा चुका है, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय तहरीके इंसाफ में ही चले जाते तो आज ये कॉम्प्लिकेशन ही ना हो रही होती। अच्छा ठीक है, उस वक्त ये चीज़ें भी सारी डिबेट चलती रही, देखें उस वक्त वादतुल मुस्लिमीन वाला भी एक चैप्टर, बहुत लंबी डिबेट पार्टी के अंदर चली कि जी ज्वाइन करना है वो पार्लिमानी पार्टी हो ना हो, मगर जिस तरह का माहौल था, देखें हमारे लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि अपने बंदों को कवर देना, क्योंकि प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि खींचा तानी कोई किसी वक्त भी जा सकता है, ये तो इमरान खान साहब की वजह से एक इतना बड़ा इनकलाब आ गया कि 90 में हार्डली एक बंदा है जिसने हमारे टिकट पे हमारी सपोर्ट से लड़ा हुआ जो स्लिप करके जिसने नून ज्वाइन कर ली, ठीक है, वरना बाकी के बाकी सारे के सारे एक कवर में रहे, तो उस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ था कि कवर शेल्टर प्रोवाइड करें, हालांकि केपीके में हम सारों के सारों को इंडिपेंडेंट भी रख लेते, गवर्नमेंट तो हमारी ही बन रही थी, तो कवर देने के चक्कर में ये जो है ना फैसला किया गया कि SIC अप्रोप्रिएट फोरम है और उस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब क्योंकि देखिए साहब की वजह से आप लाहौर की बात कर रहे हैं, शेख रॉयल असगर के मुकाबले में जो लड़े थे, हाँ जी, उन्होंने पार्टी का डिक्लेरेशन दिया हुआ था, अब ये इंटरेस्टिंग है, इस चीज को तो देखना चाहिए क्योंकि आज आपने ये तो क्योंकि जिस तरह की ये लेजिस्लेशन ले आए, अगर ये लेजिस्लेशन स्टैंड कर गई तो वो साहब का तो फेट सील हो जाएगा, क्योंकि वो तो डिक्लेरेशन हमें तो परेशानी नहीं को रोकने के लिए किया गया ना, बात ये कि लीगल कवर या कॉन्स्टिट्यूशनल जो कवर था वो स्टार्ट कर देना चाहिए था जब आपका सेक्शन 57 के नीचे इलेक्शन शेड्यूल इशू आया था, और उसके अंदर किसी को भी ज्वाइन कर लेते, 3-4 ऑप्शंस रखते और उन ऑप्शंस के अंदर फाइनल मूवमेंट के अंदर जो था वो एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल लेके चले जाते ना, असद 104 का इशू बनना था ना 51 का इशू बनना था, वो कॉन्स्टिट्यूशन कवर जब 22 को जाके बड़ा आसान है, उस जमाने में उस हालात थे कोई कवर अवेलेबल ही नहीं था जी। मैं आपके सामने जमात इस्लामी के साथ टॉक्स हुए, हर जगह टॉक्स हुए, देखे जिस तरह के प्रेशर से उन चीजों को, मतलब हमें पता है हम उस चीज से गुजर के आए हैं, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, लोगों के लिए पार्टी से टिकट लेके अपने घर तक पहुंचना और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक पहुंचना नामुमकिन हो गया था। लोग मैं जाते तौर पर जानता हूँ मोजों में जूतों के अंदर छुपा
छुपा छुपा के टिकट लेकर गए, वो चीज तो छिनना जाए, वो चीज पहले आ गई। अब जब वो पहली चीज ये थी कि जब इन्हें अंदाजा था इस चीज का कि हमारे पास सिंबल नहीं है और हमें रिजर्व सीट्स मिल नहीं सकती, हमें कवर नहीं है, तो दूसरा ये भी तो अंदाजा होगा ना कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा और उसके प्रेसिडेंट भी नहीं लड़ा, वो किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कवर आर्टिकल 51 के अंदर जा सकता है। तो 22 तारीख को पहले ही काम यह था कि SIC के बजाय ये खुद जाते। आप बेसिकली ये कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये फैसला तो हो ही नहीं सकता। नहीं, नहीं, देखें इन इस फैसले के अंदर जो बुनियादी तौर पे जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि PTI इस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं थी, ना उसने चैलेंज किया ना अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए इन सारी बातों का ख्याल नहीं रखा, आप ये कह रहे हैं ना। चलिए, गलत का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। किसके? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए इन निकाह का ख्याल नहीं रखा। नहीं, देखें मैं क्या कह रहा हूं, जो दो जजेस का फैसला 3 अगस्त को आया है, दो जजेस ज्यादा होते हैं, 11 जजेस ज्यादा होते हैं। मुझे ये बताएं कि आज 5-7 साल से हम जितने भी बैठते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, कभी किसी ने जो आपका मेजोरिटी व्यू है उस पर प्रोग्राम किया है? हम हमेशा ये कहते हो जी डिसेंटिंग के अंदर फलाने जज साहब का जरा नोट पढ़े ना। सर, ये जितने भी आए जजमेंट इंप्लीमेंट होती है, मेजोरिटी जजमेंट नहीं, तो जो आई हुई है नहीं, वो तो पढ़ के जस्ट लेने में बात किया। फर्ज जो मेजोरिटी आई हुई है बल्ले वाले जजमेंट जो है, उसके बाद हमने चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट की जितनी इज्जत अफजाई की है, तो फिर आप अभी भी इस चीज के अंदर है। ये बात यह है कि जो आपको अच्छा लगता है आप उसे कहते हैं बड़ा जबरदस्त है, और जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप चाहे मेजोरिटी व्यू है या मिनोरिटी व्यू। अब जो 32 जज हैं, 32 पॉइंट्स जो उन्होंने कहे हैं, जो हमारे दो जजेस हैं उसके अंदर, चले न्यायी साहब हमारे दोस्त हैं, उनमें से कोई एक पॉइंट बताएं कि जो लीगली उन्होंने गलत कहा। क्या सुप्रीम कोर्ट 175 या 85 से बाहर जाना चाहिए? जो 8 लोगों की जजमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, उनके तो आने देना पहले, फिर ही आप कंपैरिजन कर सकते हैं ना, ये गलत है, उनको ये चाहिए था, 8 को ये चाहिए था कि 2-3 दिन चाहे और ठहर जाते, एक डिटेल जजमेंट देते, ताकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल कंफ्यूजन ही ना उस चीज के अंदर आता। आपने एक जनरल से ऑर्डर किया। अच्छा, वैसे तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि काजी फैसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो ये कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट है इसकी ये डिटेल जजमेंट फौरन आनी चाहिए, और उन्होंने अपने साथी जजेस को इस बात पर कहा भी, और उन्होंने जस्टिस तमन्नाला साहब का अपनी जजमेंट में हवाला भी दिया अपने नोट में। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने एक जजमेंट जो है वो बहुत लंबे अरसे तक के लिए, शायद 280-290 दिनों के लिए, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने डिटेल जजमेंट नहीं दी। लेकिन ये सब तनकीद करने वाले चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब खुद नायब तरामीम वाली जजमेंट जो है वो अभी तक जारी नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है ये मालूम नहीं है। लेकिन उमैर नई साहब, आपकी ने तो खुद भी इलेक्शन को डिले कराने की कोशिश की, और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने आपकी साजिश को नाकाम बनाते हुए इलेक्शन शेड्यूल जारी करवाया, वरना आप तो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए थे लेकर इलेक्शन को। ये शायद अंडर कंटेम्प्ट नोटिस है अभी। नहीं, बुनियादी तौर पे देखें जो पॉइंट रेज किए थे आपने, आरओज का रवैया देख लिया, ठीक है। देखें आरओज इस काम के लिए एग्जीक्यूटिव साइड वाले ट्रेंड ही नहीं होते, कतई नज़र मेरी पिटीशन को भूल रहे हैं उनकी। देखें जुडिशरी का एक अपना मैकेनिज्म है, अगर जुडिशल ऑफिसर्स करा रहे होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होती है, फिर उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि उन्हें आप डायरेक्टली उस तरह से अप्रोच नहीं कर सकते, और एक हायरकी मौजूद है। अगर आरओ सिविल जज है तो ऊपर सेशन जज बैठे, उसे कोई प्रॉब्लम होगी वो फौरन सेशन जज को बताएगा, सेशन जज आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट को कम्युनिकेट करते, तो इस तरह से एक चैनल चलता है। एग्जीक्यूटिव वाले बेचारे ऑन देयर ओन होते हैं, जिस एसी बेचारे को उठा लिया, ठीक है ना, उसे कहा हाँ भाई ये जारी करो फॉर्म 47, उसकी जरूरत है वो कुछ दूसरी कर सकता है। और इसी तरह हुआ, आज देखें कि रिजल्ट ही मिसमैच है। नवाज शरीफ का अपना हल्का उठा के देख लें, यास्मीन राशिद किधर, नवाज शरीफ किधर, वोट कास्टिंग इन्होंने किधर पहुंचा दी, किस तरह से रिजल्ट लिया, गुजरांवाला में मोस्टली रिजल्ट किस तरह के लिए, एक कमिश्नर रावलपिंडी ने जो विसल ब्लोअर है उसकी बात हमने आज तक वेरीफाई नहीं की, आज तक वो बंदा मंजरे आम पे नहीं आया, ठीक है ना। एक आपने उसके चला दिया कि जी उसने तरदीद कर दी, भाई वो चीज़ें प्रोब होनी चाहिए थी। मसला यही है कि उन बेचारों को प्रोटेक्ट करने वाला ही कोई नहीं होता, और उस वजह से आपने देखा कि पूरे का पूरा इलेक्शन कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया। और आज का मसला नहीं है, देखें हमने, हमें हिस्ट्री जज करेगी। जैसे हम फैसलों की भी बात करें, डिसेंटिंग नोट की इन्होंने बात की, ये आगे के लिए काम है। देखें अगर किसी ने जजमेंट को कोई रिव्यू करेगा तो वो अगले आने वाली सुप्रीम कोर्ट करेगी। इसी तरह पॉलिटिकल हिस्ट्री जो हमारी आज की लिखी जा रही है, ये अगली पार्लियामेंट से इसको जज करेंगी, अगला आपका रिजल्ट हर चीज़ इसको डिटरमिन करेगी। तो इसलिए ये सारा हमारी ये एक वो लॉग बुक में लिखा जा रहा है, और इसी ने, इसी पे हमने जज होना है। वैसे एक सवाल काजी फैसल साहब ने उठाया था उस दिन जिस दिन ये समाप्त हो रही थी, उस सवाल का जवाब जो है वो कभी आया नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप देना चाहें। उन्होंने पूछा था कि इस दिस न्याजी रिलेटेड टू दैट न्याजी,
तो क्या इसका जवाब है? आप देखें नजरियाती तौर पे तो रिलेटेड है, जाहिरी बात है, नहीं बाकी तो बस है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला सर पीछे लेकर जाती है इसको करने के लिए, चैलेंज करने के लिए, क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल ये जुरिस्डिक्शन है कि वो इसको कर सकती है, और अगर वो जाता है तो वो एक कमेटी के पास जाएगा, कमेटी उस पर फैसला करेगी कि क्या रिव्यू के साथ इसे इकट्ठा करके सुन लिया जाए या रिव्यू से उसे अलहदा कर लिया जाए। लेकिन जो दूसरी चीज़ ये है ना कि जितनी देर तक असद ये पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी नहीं, अब बात हुई रिटर्निंग ऑफिसर 2008 के अंदर आपके जुडिशल ऑफिसर्स थे और उनके मुतल्लिक फिर जो हमने हंगामा किया, जो से कहा, जिसके ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब ने माफ़ी मांग ली सबसे कि हम आपको बंदे नहीं देंगे, 13 के अंदर जो था फिर आपके दूसरे आ गए, 18 के अंदर आपका मिक्स आ गया कि जिसके अंदर आपके जुडिशल भी थे दूसरे भी थे, तो हमने उसका क्या असर किया? बुनियादी तौर पर यह है कि हम इस सारे पोलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो है जो हमारा ईजी टारगेट है उसको आप ये कह रहे हैं बेसिकली ये बहरान सियासी जमातों का है, बिल्कुल से एग्जिस्टेंस नहीं मानते, और जितनी देर तक ये पार्लियामेंट के अंदर बैठ के उसकी सुप्रीमेसी के लिए नहीं करते ये इस तरह की चीजें। बहुत शुक्रिया आपने साथ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज का प्रोग्राम था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।